विधानसभा इंदौरा के अंतर्गत आती पंचायत लोधवा का वार्ड नंबर 1 में लगा सिंचाई नलकूप 2 खराब होने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस सिंचाई नलकूप के अधीन 1000 कनाल भूमि सिंचाई में आती है, वहीं अब धान की फसल की रुपाई का समय है। ऐसे में किसानों को पानी ना मिलने के कारण धान व अन्य फसलें ना लग पाने के कारण किसान हताश व परेशान हैं। किसानों के अनुसार ये सिंचाई नलकूप लगभग पिछले 4 महीने से खराब है। नमस्कार जी, मेरा नाम कमल सिंह है, मैं लोधमा का निवासी हूँ और मेरी यहाँ पर 3 किले जमीन है और ये बोर उसको जिस बोर का उसके पानी लगता है ये 6 महीने से खराब है और इसके मेरी फसल धान की नहीं लग रही है। तो कृपा करके प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से ठीक है और हम अपने धान की फसल उगा सके। नाम है पंकज कुमार, ठीक है। ये मैं बोर के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। इस बोर पे कोई 100 किले जगह होगी जो जिसको इस बोर का पानी लगता है। अच्छा, तो ये काफी दिनों से खराब है। अच्छा, कितने दिनों से खराब है जी ये बोर? ये हो गया कोई 6 महीने से होगा, कोई कम से कम 6 महीने से भी ज्यादा हो गया होगा। जिम्मेदार ना वो इसलिए बड़े सफर। अच्छा, उन्होंने कोई और जरिए नहीं, अपने पनीरियां उन्होंने लाई दी पर उन्होंने रुपाई करने वास्ते पानी है नहीं, ता जो कद्दू बचाई करने बाद धान ला सकते, तकलीफ सुनो और वरीड भी है। सर कितने एकड़ में होगा जी? मतलब ये अबाउट 100। अच्छा, मतलब 100 एकड़ सिंचित होंगी जमीन इस बोर से? अच्छा, लगभग। कब से खराब है जी बोर? मेरे ख्याल है 2 महीने से खराब है। 2 महीने एन स्टार न्यूज के लिए इंदौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।